इस वीडियो में दिखाया जाने वाला फोन मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बनाया है, जो कि एक डमी फोन है। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया कि ये फोन कैसा दिखने वाला है, इस जानकारी के लिए। तो आप वीडियो को चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कैसे आप सब, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस सैमसंग गैलेक्सी M31 के डमी पीस की। डमी पीस मतलब जो कि मैंने खुद से बनाया आपको दिखाने के लिए कि ये किस प्रकार का ये फोन आने वाला है, और इसकी सारी की सारी कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशंस रहेंगी। तो चलिए हम सबसे पहले इस डब्बे को ओपन करके कंटेंट्स देख लेते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहले हमको एक चार्जर मिल जाएगा, जो कि डेफिनेटली एक फास्ट चार्जर रहेगा 15 वॉट का, जो कि सैमसंग के M30 सीरीज में पहले से ही मिलता हुआ आ रहा है। काफी अच्छा मुझे लगा चार्जर 15 वॉट का। देन हमको एक टाइप सी केबल आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, क्योंकि टाइप सी से जो केबल है हमको हर एक M30 सीरीज में हमको मिली है, जो कि काफी अच्छी बात है। टाइप सी केबल हमको सैमसंग प्रोवाइड करा रहा है। अब आ जाते हैं हम इस फोन के डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे हमको पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का डिजाइन रहेगा ये, जो कि काफी कमाल का डिजाइन दिखने में लगता है। और यार यहाँ पे हमको बैक माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, पॉलीकार्बोनेट ग्लास रहता तो काफी कमाल का दिखता है यार, लिटरली बहुत कमाल का दिखता। बाय द वे यहाँ पास यार हमको 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, और तो और यार 15 वॉट का फास्ट चार्जर भी हमको डब्बे में दिया गया है। प्राइसिंग सब मैं आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे हमको एक्सिनोस का 9611 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन के 675 के जितने ही पावरफुल है। सेम प्रोसेसर हमको है गैलेक्सी M30s में भी मिला था, पता नहीं इसको कब इन लोग अपग्रेड करेंगे। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस प्रोसेसर के साथ, लेकिन यार सैमसंग है, सैमसंग ही रहेगा। सुपर एमुलेट हमको डिस्प्ले मिल जाती है, 6.5 की सुपर एमुलेट डिस्प्ले हमको मिलने वाली है, जो कि यार 6000 mAh की बैटरी के साथ मतलब बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बना लेती है, जो कि काफी जहर बैटरी बैकअप आपको देगा। दो फोन आप एक मतलब ऐसा सुन लो, दो फोन का बैटरी बैकअप आपको एक फोन में मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। बाय द वे बात रही इसके मतलब की रिजोल्यूशन की, तो यहाँ पे हमको फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है, इसका मतलब 1080p पे आप वीडियो रन कर सकते हो। बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे हमको क्वाड रियर कैमराज मिल जाता है, 64 megapixel, जो कि सैमसंग का सेंसर है, प्लस 8 megapixel, प्लस 2 megapixel, प्लस 2 megapixel का क्वाड रियर कैमराज हमको इसमें दिया गया है। बात रही फ्रंट कैमरा की, तो इस बार हमको यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो है 16 megapixel का मिलेगा, जो कि नॉर्मल सा कैमरा, डिसेंट सा परफॉर्म करेगा ये कैमरा, जो कि ठीक ठाक सा कैमरा है। और यार यहाँ पे प्राइसिंग की बात रही, तो यार प्राइसिंग जो है इसका जो बेस वेरिएंट है 15000 के नीचे आएगा, जो कि रहने वाला है 4GB+64GB, और इसका हायर वेरिएंट अप टू 8GB तक जाने वाला है। और यार फोन काफी अच्छा रहने वाला है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी जा रही है इसमें। और यार प्राइसिंग अभी कन्फर्म्ड तो नहीं हुई है, लेकिन आपको बता रहा हूँ 15000 से नीचे इसका बेस वेरियंट आने वाला है 4GB 64GB वाला। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, क्या देख रहे हो यार, सब्सक्राइब तो बनता है यार, 1 लाख सब्सक्राइबर मुझे जल्दी करने हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम। और अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इंस्टा में भी फॉलो कर लीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।